नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक्चुअली ये वीडियो मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी था, वो बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए कुछ टाइम नहीं मिलता शूटिंग के लिए। आपके काफ़ी सारे सवाल भी आते हैं, फ़ोन नंबर्स भी आते हैं फ़ोन करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में मुझे टाइम नहीं मिलता इस सभी चीज़ों को करने के लिए। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो क्विकली। ये एक्चुअली फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के सेल के ऊपर है। वैसे ये सेल तो स्टार्ट होगा 15 से और फ्लिपकार्ट के लिए जो प्राइम मेंबर है उनके लिए, और 16 से अगर आप रेगुलर मेंबर हो उनके लिए। काफ़ी सारे डील्स भी है, उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था। लेकिन अगर आपको कोई डिवाइस प्री बुक करना है, लेट से अगर आपने कोई डिवाइस चॉइस करके रखा है कि आपको यही लेना है, मानो आपको S20 प्लस लेना है या फिर आईफोन लेना है, तो आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को फ्लिपकार्ट 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कभी भी प्री बुक कर सकते हो। और प्री बुक के लिए सिर्फ आपको ₹1 देना पड़ेगा, तो आपकी जो ऑर्डर है वो आप फिक्स हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, और आप उस पर्टिकुलर ऑर्डर को 15 या फिर 16 दोनों में से कोई एक दिन में उसको प्लेस करना है। तो यही एक प्री बुक का एक्चुअली पूरा कंसेप्ट है। अगर आपने अगर कोई मतलब कंफर्म किया है कि आपको एक पर्टिकुलर फ़ोन लेना है तो आप प्री बुक करो, क्योंकि पता नहीं मतलब आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है कई बार नहीं मोस्टली, मतलब जो चीज़ों के ऊपर काफ़ी डील्स अच्छी होती है वो आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है, पहले ही दिन चली जाती है या मानो पहले 10-15 मिनट में ही चली जाती है, तो फिर ऐसे में वो फिर स्टॉक में ऑलमोस्ट नहीं आती है। तो इससे बेटर आप प्री बुक करो और फिर कंफर्म कर दो अपनी ऑर्डर को और फिर 15 तारीख को प्लेस कर दो। ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। वैसे मैंने तो चूज़ किया है कि मुझे एक्चुअली S20 प्लस लेना ही है, काफ़ी टाइम से लेना था, मैं हमेशा वीडियोज में भी बोलता था कि S20 प्लस लेना है, लेकिन समहाउ मैं नहीं ले पा रहा था। लेकिन अभी ऑफर काफ़ी अच्छी है और आई थिंक मैं 35,000 वाला जो ऑप्शन है वही चूज़ करने वाला हूँ, और फिर एक साल के बाद मैं 15,000 देके उसको ही कंटिन्यू करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसा मेरा एक्चुअली मैंने प्लान किया हुआ है, लेट्स से हाउ डज इट्स गोज। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि 20,000 के प्राइस रेंज में कोई एक अच्छा फ़ोन बताओ करने के लिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी फ़ोन्स है लेकिन वो चाइनीज़ फ़ोन्स है। सैमसंग के लिए आपको सैमसंग M51 काफ़ी एक अच्छा फ़ोन है उस कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो, और सैमसंग का एक शायद A70 या फिर A50 कोई तो एक फ़ोन है उस कैटेगरी में आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। आप वन प्लस के साथ भी जा सकते हो, वन प्लस नॉर्ड की एक्चुअली प्राइसिंग अभी पता नहीं है कि डील में क्या प्राइसिंग है, लेकिन अराउंड 23,000 अगर हो जाती है, 22-23, तो आप उसको भी एक बार कंसिडर कर सकते हो। और दूसरी बात एक ऐसी है कि वन प्लस के दो फ़ोन्स आने वाले हैं, वन प्लस एट्टी, एक जो है वन प्लस का नॉर्ड N10 और N100 ऐसे कुछ उनके नाम है, जो 10,000 से लेकर 20,000 के प्राइस रेंज में आएंगे। प्रोबेबली वो लोग फ़ोन्स आएंगे अक्टूबर 26 ऐसा रूमर्स है, अभी पता नहीं वो 26 को ही आते हैं या फिर 14 को ही लॉन्च होते हैं, बट दोनों फ़ोन्स मतलब एक मिड बजट स्मार्टफोन है, और अगर आपको वन प्लस ब्रांड अच्छा लगता है तो आप वो फ़ोन्स को भी कंसिडर कर सकते हो, तो आप वेट कर सकते हो। लेकिन उसमें HD प्लस का डिस्प्ले है ऐसे कुछ रूमर्स में मैंने पढ़ा था, तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप वन प्लस के नॉर्मल फ़ोन्स के लिए वेट कर रहे हो तो वो आपको HD प्लस डिस्प्ले के साथ मिलेंगे या फिर आई डोंट नो LCD डिस्प्ले के साथ मिलेंगे कि क्या। लेकिन यही चीज़ है वन प्लस के दो जो फ़ोन्स आने वाले उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट आईफोन के डील्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 10R और आईफोन 11 सस्ते प्राइस में मिल रहा है। आईफोन 11 प्रो की अभी तक डील कोई हुई नहीं है, मतलब प्राइसिंग कन्फर्म नहीं हुई है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फटाफट से इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ऑन द वे ड्राइव कर रहा हूँ, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।